मोटी मोटी झाड़ पोछ तो मैंने कर दिया है, पर झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। विनीता भी नहीं आई अभी तक, मेरे को लग रहा है एक ही बार आएगी। मुझे ध्यान आ गया कि मैंने ना चने की दाल भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल वाले चावल बनाने के लिए। बहुत मन कर रहा था चने की दाल वाले चावल खाने का, तो मैंने ना देखा तो थोड़ी सी दाल थी, मुझे लगा ठीक है दिन पे मैंने और थोड़ा सा समृद्ध शायद शाम को आके खाएगा तो हम दोनों ही होंगे, तो मैंने भिगो दी दाल। फिर ध्यान आया कि नहीं, शाम को दिया को जाना है ऑफिस, तो सब्जी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि चावल जो है ना दो बार बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। राजमा के साथ भी चावल बनते और चावल चने की दाल वाले भी चावल बनते, तो इसलिए ना कल ना कोई दिमाग ही नहीं चल रहा था मेरा। चने की दाल मैंने देखते ही भिगो दी, फिर मैंने ऊपर डब्बे देखे तो कुछ दालें बची हुई हैं, तो मैंने सोचा कि माँ मोठी बना लेती हूँ, क्योंकि उस दिन भी नहीं बनाई थी, 14 वाले दिन बनानी थी, नहीं बनाई थी, माँ मोठी बना लेती हूँ। फिर मेरे हाथ में लोबिया का डब्बा आ गया, तो मैं लोबिया निकाल के बैठ गई। लोबिया कम लगा मुझे, कुकर में पलटा कम लगा, फिर वापस उसको डब्बे में डाल के रख दिया। माँ राजमा बनाते बनाते पता नहीं क्या दिमाग में आई, खाली राजमा बना दिया। बिल्कुल कल मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया था कि चने की दाल जो भिगो रखी थी वो मैंने बाद में देखी, पीछे डब्बा रखा हुआ था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने भिगोई तो कल दिन में थी, बट वो अच्छी भीग चुकी है, तो अब मेरे चावलों में ना बहुत अच्छे से बन जाएंगे। मैं खुले रख के ही बनाती हूँ, मैं कुकर में विसल नहीं दिलाती हूँ, तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बना लूँ। 2 बज रहे हैं और दिया को 2-3 बार मैं हिला चुकी हूँ कि बेटा उठ जा उठ जा, नहीं उठ रही है, तो मुझे ना थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं कैसे ही उठाऊँ उसको, नहीं अच्छा लग रहा उसको उठाना भी। तो फिर मेरी देवरानी से जो बात हुई है ना कि सैटरडे को या संडे को हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि मे भी सुबह हमारी दोपहर थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, अब इस बीच में जैसे ही वहाँ जाने का टाइम हो और उसको टाइम मिल जाए और वो निकल जाए तो मैं तो उसके भरोसे बैठी रह जाऊँगी ना, तो वो भी तो बात है ना कि वो फिर उस टाइम पर ये होगा उसको कि भाई मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं हो जाऊँ, पता नहीं 2 दिन बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उठा तो रही हूँ उसको अभी, मैंने कहा ठीक है अभी 2 बजे हैं तो तब तक मैं चावल बना लेती हूँ, तो चावल बना के एक ही बार उसको उठाती हूँ, अगर उठ जाती है तो ठीक है, नहीं उठेगी तो फिर तो मैं कुछ ही नहीं कर सकती, फिर मैं जा ही नहीं पाऊँगी, फिर मैं कल परसों में जाऊँगी। शरीर ना बंदे का साथ देना, शरीर दोनों ही चीज़ें चाहिए, शरीर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए हाथ में, दोनों ही चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो बसों पर नहीं जा सकता, जो स्कूटर वगैरह पे नहीं बैठ सकता, तो उसको या तो कैब चाहिए या ऑटो चाहिए, जाने आने के लिए सुविधा चाहिए, साथ चाहिए सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि क्या ही बोलूँ यार, मतलब मेरे को ना कई बार शब्द नहीं मिलते कि मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, क्योंकि हर चीज़ के ना डबल मतलब निकल आते हैं। कोई सुनेगा तो सोचेगा कि मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई मुझे पैसे नहीं देता, हाँ हाथ तंग है, ज़्यादा खर्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं हम, चाहे 2 लोग कमा रहे हैं पर उतना नहीं कमा रहे हैं कि थोड़ा सा भी हम अपना सेव करके चलें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ सिर्फ उतने पैसे आते हैं जितना खर्चा खड़ा हो। अभी मुझे कैसे बताऊँगी, मेरे पास जोट के डब्बे में घी नहीं है, आज मैंने जोट जो जलाई है वो घी का डब्बा गर्म करके और घी निकाला है जो बचा खुचा था, तो अब मेरी जोत है भीगी हुई है पर सूखी है, उसमें घी नहीं है, तो मैं जब जोत जलाऊंगी वो भीगी होंगी घी में पर उसके अंदर एक्स्ट्रा घी नहीं होगा जिसमें वो जल सके थोड़ी देर, तो मुझे घी भी निकालना है। तो मेरे पास आधा डब्बा मलाई का था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको डब्बे में ही अच्छे से फेंट के थोड़ा मक्खन निकाल लेती हूँ और फटाफट से घी भी साथ के साथ रख दूँगी, तो कम से कम मेरा जोतों के लिए घी हो जाएगा, जो ये 4 दिन और जोत जलनी है उसके लिए घी हो जाएगा। दिल मार मार के सोच सोच के जब चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, वो वही इंसान समझ सकता है जिसने ऐसे दिन देखे हों। माता रानी है, कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकाल देगी, हर चीज़ पूरी कर देगी मुझे पता है, पर जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती ना तब तक दिमाग में परेशानी टेंशन एक वो होता है ना बोझ, वो बना रहता है। चलिए यार मैं बैठी रहूँगी ना तो कुछ ना कुछ बात करती रहूँगी, तो काम नहीं कर पाऊँगी। मैं फटाफट से रखती हूँ चावल और साथ साथ घी निकालती हूँ। चलिए चावल हमारे तैयार हो गए होंगे, ये देखिए
मुझे बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं है। हमारे यहाँ पे ना शादी में बनते हैं, यहाँ पे ना रूसने की रस्म होती है, जिसमें जो दूल्हा होता है, जब लड़की की शादी होती है तो दूल्हा रूस के चाचा ताऊ के घर चला जाता है, तो फिर हम उसे मनाने जाते हैं। तो जो चाचा के घर में बनता है वो ये होता है और गरम बादाम वाला दूध होता है। ये दो चीज़ें सबको खिलाई जाती हैं, जितने भी गेस्ट होते हैं सबको। ये मुझे बहुत पसंद आती थी, मेरी मम्मी बनाती थी, बहुत स्वाद बनाती थी। चलिए यार, मैं एक बार वनीता को फ़ोन करूँ, 2:30 बज गए हैं, और एक बार फिर दिया को उठा के देखती हूँ, अगर उठ जाती है तो जाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। साहब आ गए हैं, मैं तो जा नहीं पाई थी क्रिया पे, क्योंकि दिया को 2-3 बार उठाया, वो उठ ही नहीं रही, इतनी गहरी नींद में है, और ये निकल रहा है घी, जो आधा डब्बा मलाई थी मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया था, फेंट के मैंने घी चढ़ाया है। एक बर्तन मैं ऑलरेडी ख़राब कर चुकी हूँ, देखिए उसमें सारा चिपक गया था, क्योंकि विनीता आ गई थी तो मैं बैठ गई थी और हिला नहीं पाई थी अच्छी तरीके से। अब मैंने इसको पलटा है दूसरे बर्तन में, अभी वो ना चिपका होता तो और भी निकल आता थोड़ा सा, बस ये होने वाला है, ये थोड़ा सा और हो जाए, जोतों के लिए तो हो ही जाएगा मेरा। और रखी है चाय, लीजिए जी, संध्या आरती हो चुकी है। मैं एक्चुअली कैमरा नहीं उठाया था, बट बहुत सारे काम निपटा दिए थे मैंने, चाय पी ली थी, चावल तो ये रखे, सबने दाके खा चुका है, और ये मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी। हुआ क्या कि आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो 5:30 बजे के करीब मुझे एकदम से फील हुआ कि समृत का स्कूल का टाइम हो गया, वो अभी तक आया नहीं है। मुझे घबराहट शुरू हो गई कि भैया फ़ोन वो लेके जाता नहीं स्कूल, और वो अभी तक आया नहीं है, अब मैं क्या करूँ, किससे पता करूँ कहाँ है क्या है। एक्चुअली उसकी जो आने का टाइम है वो 6:30-7 का है, और वो अंधेरे को देख के मुझे लगा 1 घंटे का गैप, मुझे लगा 5:30-5 बजे आ जाता है, हद से 5:45 तक आ जाता है, 6:15 हो गए थे, 6:20 के अराउंड वो आया। तो मैंने आते ही उसको डांटा, मैंने कहा मैं कैसे पता करूँगी तू कहाँ पे है, इतना लेट आया, 1.25 घंटा हो गया तेरे को। कह रहा मम्मी 6 बजे तो छुट्टी होती है। मैंने कहा राम, मेरा दिमाग देखो, मैं अंधेरे को देख के ऐसा लगा कि समृद्ध बहुत लेट हो गया, और उस बीच में मैंने कैमरा भी नहीं उठाया, टेंशन के मारे मैंने सब्जी बना ली, सब कर लिया, पर मैंने कैमरा उठाया ही नहीं बीच में। फिर साहब तो दिन में ही आ गए थे, क्योंकि वहाँ जाना था क्रिया पे, ये तो चले गए थे, शुक्र है भगवान का, मैं नहीं जा पाई। अब मैं शायद संडे को जाऊँगी या सैटरडे को जाऊँगी, दिया की छुट्टी होगी। अब मैं आई थी बाहर, एक तो 7:30 हो गए, 8 बजे तक दिया भी उठ जाएगी, तो मैं पहले मशीन लगाने आई थी, क्योंकि समृद्ध की ड्रेस तो रोज़ ही धोनी पड़ती है ना, एक ही ले रखी है, क्योंकि मिड सेशन में गया था, अब विंटर्स की शायद चेंज हो जाएगी, तो अब विंटर्स की लेनी पड़ेगी, तो अगले साल तक हाइट बढ़ गई या कोई चेंज आ गया बॉडी में तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो एक ही ड्रेस ली थी लॉजिकली, कि एक ड्रेस से मैनेज करेंगे और फिर विंटर की लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर नई ड्रेस आ जाएगी, तो एक ये हो जाएगी और हो जाएगी। धुआं चढ़ रहा है, मुझे जोत जलाना, जोत के आगे बैठना, और जब ये घर में पूजा का माहौल होता है, सारे घर में धुआं धुआं हो जाता है ना, अगरबत्ती का, धूप का, बड़ा अच्छा लगता है बहुत। चलिए जी, टाइम हो रहा है 10:30, और ब्याह की बहन आज फिर लेट आई है, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, अभी समझ बनते गया है। ये चादर का टुकड़ा है, फटी हुई चादर थी, ये भी टेलर को दे रखी थी, वो जो प्रेस का टेबल था ना उसके ऊपर बिछाने के लिए, गद्दा बनवाने के लिए, उसके पास कतरने बच जाती है, उससे गद्दा बनवाना था, ये तक नहीं बना, तो इसलिए मैं वापस ले आई, मुझे पौने बनाने हैं, कॉटन की हैवी चादर के पौने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया निकलते हैं। अब बस समेटा समाटी करने जा रही हूँ, और थोड़ा सा कुछ ना मुँह का वो करना है, मतलब मीठा खाने का मन है, तो मैं सेवियाँ बनाने जा रही हूँ बॉम्बिडू। तो बस मैंने कहा इससे पहले मैं निकलूँ आपसे गुड बाय शुड बाय कर लूँ, और देखो मेरी गांठ ख़त्म ही नहीं हो रही है, और ऊपर तक बढ़ती जा रही है, उधर दिया के कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, इधर मेरे बढ़ते जा रहे हैं, तो चलिए फिर बाय बाय कर लेते हैं, कल मिलेंगे। और एज़ यूजल दिया नींद में थी, मैंने उसको उठा के बोला, मुझसे कह रही है उठ के कि आप गए नहीं, फिर
कैसे जाती मैं? मैंने उसको 2-3 बार उठाया और नींद में कुछ कुछ बोल के और फिर सो जाती थी और उठ ही नहीं रही थी, तो मैं कैसे जाती फिर घर अकेला छोड़ के? उठाऊंगी, ताला लगा के जाऊंगी या फिर उठा के वो कुंडी लगाएगी? उसको वो भी नहीं याद रहता कि एक कुंडी मैंने लगाई थी, उसको बात नहीं याद रहेगी कि मैंने क्या बोला था, तो फिर फ़ायदा नहीं था ना उसको, वो बहुत ज़्यादा नींद में थी। कभी कभी होता है ना, थकावट ज़्यादा हो जाती है तो नींद आती है, पाइप पे लगी रही। एक तो पबजी ने जीना हराम कर दिया, पबजी खेल खेल के दिमाग ख़राब कर रखा है। पूरा दिन पबजी खेलती रही, मेरे से डांट भी खाई इसने कि कपड़े वगैरह संभाल ले, थोड़ी सी सफाई करवा दे। एक तो छुट्टी होती है, कभी कभी तो मैं खेलती हूँ, फिर डायलॉग आ जाते हैं। चलो तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल 4th दिन है नवरात्रि का, कल के दिन में देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, आगे बढ़ेगा किस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी कुछ चाहिए मुझसे, तो कल मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए साथ, और थोड़ा थोड़ा जैसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं स्पीड बनाए रखिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि दिवाली तक मुझे कंप्लीट करना है, वरना पता नहीं क्या होगा। गुड बाय। गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सीधे सुबह उठते ही ड्यूटी चालू हो ही जाती है, आपको पता ही है। तो सुबह सुबह बन रही है पहली गाय की रोटी जो जल चुकी है। मल्टीटास्किंग फिर से शुरू है, सब्जी गर्म कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ। आइडिया ने सुबह मतलब आते ही फरमाइश की कि गोभी आलू के पराठे बना लो, तो गोभी आलू उतने बचे नहीं हैं कि समय पर टिफिन भी चला जाए और पराठे भी बन जाएँ, इसलिए। और कुछ ना, आप आँख खोलो और कोई सामने आपके खड़ा और काम बोल रहा हो ना, बहुत गुस्सा आता है। आँखें तो खोलने दो यार। सुबह सुबह एक बार तो बन जाती है पूरी ट्रेन, मेरी सुबह 12 बजे होती है। ये फटाफट से सब्जी बनाई है क्योंकि वो गोभी आलू में से खाएगा आलू, और गोभी आलू में बचे नहीं हैं आलू, तो मैंने फटाफट से पहले रोटी बनाई, रोटी बना के फटाफट से आलू की सब्जी बनाई और एक कटोरी माता रानी के निकाल के, क्योंकि अभी तो मैं उनको दही रोटी का भूख लगा दिया था, तो मैंने इसका टिफिन पैक किया है। अब पीऊँगी मैं चाय, चाय मेरी उबल उबल के बेचारी खाली हो गई, और साथ में खाऊँगी चने की दाल वाले चावल, उसके नखरे नहीं हो रहे सीधे। भूख लगी हुई है पर मुझे गोभी की पराठी ही खानी है, और ना अब आटा बचा है, ना मेरे में स्टेमिना बचा है अभी फ़िलहाल के लिए, ना मेरे में ताकत है। अब मैं चाय पीऊँगी, पहले सिर घूमता है ना मेरा सुबह सुबह बिना चाय के। अच्छी बिल्ली उठी हुई थी मैं 7:30 बजे, टिच उठ गई थी मैं, बिस्तर ही नहीं छोड़ा जाता। फिर 9:30 बजे के करीब फिर से झपकी लग गई, फिर 10:30 बजे उठ गई। कपड़े तो तय लगा लिए सारे मैंने, और सब अलमारी वगैरह में लगा भी दिए हैं, बच्चों के कमरे वाले बच्चों के कमरे में रखा ही हूँ। अब ये आज प्रेस भी मुझे करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो गए, और ये मैं काटने लगी हूँ कोने, फिर उसके बाद उसकी साइड्स को तुरपाई करूँगी।
दो घंटे हो गए मुझे ये फ़ोनों का काम करते हुए। देखिए ये सारे हो चुके हैं और अभी चाय रहते हैं, तो इस बीच में भूख लग गई है और चाय का टाइम भी हो गया है। और आज दिन में माता जी को भी कुछ नहीं दिया था क्योंकि लेट ही नाश्ता दिया था, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के पूड़े और साथ में चाय। चलिए बना के लाती हूँ।